मैं प्रसन्न कुमार आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल कार्तिक शर्मा 2161 में। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आज आपका टॉपिक होगा रिमूव टू। तो टू को हम इस कैसे रिमूव कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो जो कि दिया गया है यहाँ पर मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब कि जरूरत से ज़्यादा। तो बिना देरी किए चलिए हम देख लेते हैं फार्मूले से इसको समझ लेते हैं, कैसे टू को हम रिमूव करते हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले दिया गया है सब्जेक्ट, फिर एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब में यहाँ पर इज भी आ सकता है, वाज भी आ सकता है, वर भी आ सकता है और आर भी आ सकता है, और इससे रिलेटेड यहाँ पर हैज है, कुछ भी आ सकता है। ऐसे हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पर आ सकती है। उसके बाद में टू दिया गया होगा, फिर एडजेक्टिव यहाँ पर कुछ कोई दिया गया होगा, उसके बाद में आपका इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। तो ये सिंपल फॉर्म है। इस फॉर्मूले के बेस पे आपको सेंटेंस मिलेगा, और इस आप सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है चलिए देख लेते हैं। चेंजिंग फार्मूला आपका यहाँ पर बनेगा जा करके, इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्सिलरी वर्ब वैसे ही रहते, केवल आपको टू को हटाना है। तो टू को हटाना है, तो रिमूव टू में क्या होता है, इस वाले टू को जब हटाते हैं तो यहाँ पर सो का यूज कर लेते हैं। मतलब कहने का ये अर्थ है, ये वाला टू जब हटेगा तो इसकी जगह पर सो का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में आपका आता है यहाँ पर एडजेक्टिव, जिस प्लेस पर था वैसे ही रहेगा, और इस वाले टू को हटाएंगे जब, तो उस एडजेक्टिव के बाद में, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में टू दिया गया था आपका इन्फिनेटिव, तो इसके बाद में हमें दैट का कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। फिर जो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आपका बना हुआ था, वही सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाता है वैसा ही। अगर यहाँ पर जैसे ही आया है, तो यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में बनाएंगे तो यहाँ पर भी ही लिखा जाएगा, न कि यहाँ पर सी या अदर कोई हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको यह विशेष ध्यान रखना होगा। तो अब हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो आएगा तो वैसे ही सब्जेक्ट राइट कर देना है, एक्सिलरी वर्ब जो आई है वैसे ही लिख देना है, इस वाले टू को हटाएंगे तो यहाँ पर सो लिख देंगे, और फिर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लिख देना है, फिर दैट का यूज हम करते हैं, और उसके बाद में ये वाला सब्जेक्ट फिर से हम लेकर आते हैं। और प्रेजेंट अगर इज एम आर का यूज किया जाएगा, इज वगैरह इज से रिलेटेड अगर आ रहे हैं प्रेजेंट में तो कैन का यूज करना है, अगर वाज वाले आ रहे हैं या हैड आ रहा है तो आपको कुड का यूज करना है, उसके बाद में नॉट का यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अदर वर्ड लगा देना है वैसे ही। फर्स्ट फॉर्म जैसे आई है, केवल इस टू को हटा करके ये यहाँ से सब दैट और सब्जेक्ट कुड नॉट का यूज करना होता है आपको बस। तो चलिए देख लेते हैं, इसको एग्जांपल्स की सहायता से हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपका दिया गया है, माय ग्रैंडफादर इज टू ओल्ड टू वॉक। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो फार्मूले इस फार्मूले पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर माई ग्रैंडफादर आपका जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर इज आपकी एक्सिलरी वर्ब हो गई, टू दिया गया है, उसके बाद ओल्ड आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर टू आपका इन्फिनिटिव टू यहाँ पर दिया गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ गई है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो सकता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को वैसे ही राइट कर लेंगे, माय ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको शो में बदल सकते हैं, और ओल्ड का ओल्ड ही ऐसे रख सकते हैं, और उसके बाद में इस वाले टू को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर दैट का यूज करेंगे, और दैट के बाद में यहाँ पर माय ग्रैंडफादर, तो इसके अनुसार हम यहाँ पर ही का यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट दैट लगा करके, और फिर बाद में यहाँ पर इज आया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैन का यूज कर लेंगे, और फिर नॉट का यूज करेंगे, कैन के बाद में नॉट लगा लिया मैंने, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, वॉक, उसके बाद में वॉक का हम यूज कर लेंगे जो आपकी वर्ब आई थी। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है सेंटेंस।
यहाँ पर आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, माई ग्रैंड फादर इज सो ओल्ड डेट ही कैन नॉट वॉक। तो इस प्रकार से आपको सिंपली सेंटेंस कंप्लीट कर लेना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पहले हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि यहाँ पर ही इज टू ओल्ड टू रन। तो यहाँ क्या है, ही का ही रखना है, यहाँ पर इज का इज रखना है, और टू को जब इस वाले टू को हटाएंगे तो इसकी जगह पर हमें सो का यूज कर लेना है, ओल्ड का ओल्ड लगा लेना है यहाँ पर। फिर टू को जब इसको हम हटाते हैं तो यहाँ ये जो सब्जेक्ट है ही आया है, तो यहाँ पर इससे पहले हम डेट लगा करके और यही सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो ही हो जाएगा। इज आया है तो यहाँ पर कैन का यूज कर लेंगे, और उसके बाद में नॉट का, और नॉट के बाद में हम रन का यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है रिमूव टू का सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इसमें जैसे कि बताया गया ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, तो इस प्रकार से यह कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस दिया गया है सी इज टू वीक टू वर्क, तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर भी सी का सी हो जाएगा, इज का इज, टू आया तो सिंपली हम सो में कर लेंगे, वीक का वीक, और इस वाले टू को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर सी जो आया है कंजंक्शन, तो उससे पहले हम डेट लगा करके सी लगाएंगे यहाँ पर, और फिर बाद में इज आया तो इसलिए यहाँ पर कैन, और उसके बाद में नॉट का यूज कर लेंगे, और नॉट लगा करके यहाँ पर हम वर्क जो कि आपकी वर्ब है तो वर्क का यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। हो गया है, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पर सो आपको पता ही होगा कि आया है टू के लिए, और यहाँ पर इसको जब हम टू को रिमूव करते हैं तो दैट ही मतलब दैट ही के नॉट, तो यहाँ पर सी आया तो इसके अनुसार ही यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आता है, ये ध्यान रखना है विशेषकर। एग्जाम्पल दिया गया जैसे ही वाज टू टायर्ड टू वर्क, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको यहाँ पर इस वाले टू को हटा करके यहाँ पर लगा लेंगे सो, और वैसे का वैसा यहाँ पर इस वक्त को टू को हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे दैट लगा करके, और उसके बाद में ही, ये जो हम सब्जेक्ट यहाँ पर बना लेंगे ही हो जाएगा। उसके बाद में वाज आया तो यहाँ पर इसके अनुसार कुड का यूज कर लेंगे, कुड लगा लिया मैंने, और यहाँ पर उसके बाद में फिर नॉट कुड के बाद में लगाएंगे, नॉट के बाद में वर्क का यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो जाएगा ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वर्क। जैसे इसके लिए ये टू के लिए आ गया सो, और ये टू हट गया तो यहाँ पर आ गया दैट ही कुड नॉट, इतना ये सब आ जाता है यहाँ, और वर्क का वर्क ही रहता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कि इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम कैसे बदल सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस ये बनेगा जाके आपका इट इज का इट इज हो जाएगा, टू को हटाएंगे सो लगा लेंगे यहाँ पर, कुड का कुड, इस वाले टू को हटाएंगे दैट, और यहाँ पर इट दिया गया है तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट कोई प्रॉपरली हो ना तो आपको क्या करना है, इट तो यहाँ पर लगा नहीं सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया, तो यहाँ पर वन का यूज हम कर लेंगे। फिर कैन इज आया है तो कैन आ जाएगा, नॉट का यूज करेंगे, फिर गो आउट का गो आउट हम लगा लेंगे। तो इस प्रकार से ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है इजिली। तो चेंजिंग फार्मूला आपका नेक्स्ट जो दिया गया है वो क्या है, चलिए देख लेते हैं वो भी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट आपका दिया होगा तो सब्जेक्ट ही लिखना है, एक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब होगी यहाँ पर तो वैसे ही लिख लेना है, टू को हटा करके यहाँ पर भी सो ही करना है, फिर एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव लिख लेना है, फॉर आया है तो फॉर को हटाएंगे तो वहां पर दैट लगा करके फिर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद कैन कुड नॉट, फिर जिसमें नाउन आपका आ रहा है फॉर के बाद में, तो
तो वहां पर आपको क्या करना है, नॉट लगा करके उसके बाद में बी वर्ब अपनी बना लेनी है, फिर नाउन लिखना है आपको। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले पर हम कैसे बना सकते हैं, चलिए जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। तो यहाँ पर जो है इसको हम, ए रनर आपका एक नाउन है और नाउन दिया गया है, तो यहाँ पर इसको हम कैसे बना सकते हैं, सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या बनेगा जा करके, सेंटेंस आपका बन जाएगा यहाँ पर आई एम का आई एम, टू को हटाया यहाँ पर सो हो गया, स्लो का स्लो, और फॉर को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई के अनुसार आई, यहाँ पर भी सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर एम आया है प्रेजेंट का है, तो इसलिए कैन यूज करेंगे, नॉट लगाएंगे, और इसमें यहाँ पर आपका नाउन आ रहा था तो इसलिए हमें वर्ब की आवश्यकता पड़ती है दूसरे सेंटेंस में, कैन नॉट वाले में। तो यहाँ पर हम बी को अपनी वर्ब बना लेंगे और फिर बाद में अपना आया हुआ नाउन को हम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया ही इज टू स्मॉल फॉर ए लॉयर, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको इस टू को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सो, और फॉर को हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे दैट, और दैट लगा करके हम ये वाला सब्जेक्ट जो आया है तो यही यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा ही, और उसके बाद में कैन नॉट की जाए तो कैन नॉट हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर ये नाउन है तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बी लगा करके अपना नाउन लिखना है, तो लॉयर है इसमें बाद में बी लगा करके फिर लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इजिली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया, फिर बाद में ये हो जाता है ही इज सो, टू के लिए आ गया स्मॉल का स्मॉल, दैट फोर को हटाया दैट लगा करके ये अपना ही यही सब्जेक्ट बना लिया, कैन नॉट लगा लिया, उसके बाद में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और बी अपनी वर्ब हम अलग से, हमने बी को अपनी वर्ब अपने हमने अलग से बना लिया है, और फिर बाद में लॉयर का यूज कर लिया। आई आई वाज टू डल, तो टू इसको हम जब हटाएंगे तो यहाँ पर सो हो जाएगा, डल का डल ही रहेगा। आई आया है तो आई मैंने यहाँ पर अपना सब्जेक्ट यहाँ पर भी बना लिया दूसरे सेंटेंस में भी, फॉर को यहाँ से रिमूव कर लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा कुड नॉट, और इसमें ये आपका एक नाउन दिया गया तो इसलिए यहाँ पर नॉट के बाद में हम बी को अपनी वर्ब बना लेंगे और फिर बाद में ए टीचर का यूज कर देंगे। तो इस प्रकार से ये भी सेंटेंस समझ गए होंगे आई होप आप। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो नेक्स्ट फार्मूला आपका है, यहाँ पर ये फार्मूला आपका मिलेगा, सब्जेक्ट होगा एक्सिलरी वर्ब होगी, टू होगा एडजेक्टिव, उसके बाद में फॉर लगा करके फॉर के बाद में कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया जा सकता है, जैसे कि मी भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, मतलब ही का ऑब्जेक्ट हीम आ सकता है, हर आ सकता है, या आस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर आपका ये ध्यान रखना है। उसके बाद में टू होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अदर वर्ड होगा। तो आपको करना क्या है, वहां पर सब्जेक्ट वैसे ही पूरा करना है, इसमें केवल टू को रिमूव करके यहाँ पर सो लगाना है, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव रखना है, और दैट लगा करके फॉर मी या फॉर हिम ऐसे शब्दों को हटा देना है। इनको जब हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा उसका सब्जेक्टिव क्लॉज लिखेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, जैसे मी आया तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर, हिम आया तो ही हो जाएगा, और हर आया तो सी हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर आपको राइट कर लेना है इसके जगह पर, तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद में कैन या कुड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे आई है वैसे, और अदर वर्ड, तो यहाँ पर ये टू हट जाता है तो इसकी जगह पर यहाँ पर ये इतना सब लग जाता है, ये ध्यान रखना। चलिए देख लेते हैं, आप एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल आपका, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, दिस बॉक्स को दिस बॉक्स रखेंगे, टू को हटाएंगे, यहाँ पर सो लगा लेंगे, इस वाले टू के लिए सो आ जाएगा, और फिर बाद में हैवी का हैवी और ये फॉर मी हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी फॉर मी की जगह पर दैट लगा करके, और मी को हम अपना सब्जेक्टिव नाउन बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्लॉज केस में यूज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस इसका हो जाएगा मी का आई, और यहाँ पर इज आया है तो इसलिए यहाँ पर कैन होगा, और फिर नॉट लगाएंगे, और उसके बाद में हम फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं, तो टू लगा करके दिया गया है तो नॉट के बाद में हम लिफ्ट को लिफ्ट ही ऐसे यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर टू जो है टू वर्ब होगा, तो यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैन नॉट के बाद में लगा देनी है, इस टू को भी हटा देना है आपको, तो उसकी जगह पर हो जाएगा दैट आई कैन नॉट, और लिफ्ट का लिफ्ट आपको यूज कर लेना है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिफ्ट, तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा है, दिस बॉक्स इज टू सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इस प्रकार से भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जांपल। तो यहाँ पर दिया गया है एग्जांपल आपका दिया गया है जैसे कि द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो इस वाले टू के लिए था आपको सिंपली ही लगा लेना है यहाँ पर, सो फॉर मी को हटाएंगे, यहाँ पर दैट बढ़ा लेते हैं डिफिकल्ट के बाद में, और मी को आई बना लेंगे यहाँ पर, इस वाले टू को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इज आया है तो इसके अनुसार कैन, फिर नॉट, और नॉट को लगा करके फिर अंडरस्टैंड यूज कर लेंगे, अंडरस्टैंड यहाँ पर इसको लगा लेना है कुड नॉट के बाद में, बस इस प्रकार से आपका यह भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस पैसेज इज सो टू के लिए आ गया, डिफिकल्ट का डिफिकल्ट, फॉर मी को हटाया यहाँ से दैट, और मी को यहाँ आई में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर, कैन नॉट लगाया, और अंडरस्टैंड पैसेज कंप्लीट। अगला फॉर्मूला आपका जो लिया गया, सब्जेक्ट होगा एक्सिलरी वर्ब होगी टू केवल आपका एडवर्ब टू केवल और केवल और केवल आपका एडवर्ब टू दिया गया, उसके बाद में एडजेक्टिव दिया गया, तब आपको क्या करना है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इस टू को तब सो में नहीं बदलना है आपको, तब आपको लगाना है एक्सट्रीमली या एब्सोल्यूटली आपको एक्सिलरी वर्ब के बाद में लगा लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे रहेगा, केवल इसकी जगह पर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली का यूज कर लेंगे, यहाँ पर एक्सट्रीमली लगा लेना है, या फिर एब्सोल्यूटली का यूज कर लीजिए और पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा जो जहाँ पे है वैसे ही लिख देना है, तो ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया हो। न्यूज को दिस न्यूज ही रखा गया है, इज का इज, टू को हटाकर एक्सट्रीमली कर दिया गया है, और फिर ट्रू जैसे लिखा था वैसे ही वहीं पर लिख दिया गया, तो आई होप ये भी समझ गए होंगे आप। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इस टू को यहाँ से हटाना है और यहाँ पर एक्सट्रीमली या एब्सोल्यूटली, तो मान लो एक्सट्रीमली इसकी जगह पर लगा सकते हैं या एब्सोल्यूटली का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो एब्सोल्यूटली लगा लीजिए या एक्सट्रीमली लगा लीजिए, दोनों बात एक ही है, तो इस प्रकार से भी आपको ये कम्प्लीट हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन इजिली। अथवा इसको अथवा करके और करके भी बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया द मिल्क इज एब्सोल्यूटली प्योर, तो इस टू को एब्सोल्यूटली में बदल लिया गया, लेकिन यहाँ पर अलग से अगर बनाना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, द मिल्क का द मिल्क वैसे लिख लेंगे, इज का इज ही लिख लेंगे, और एडजेक्टिव को इसमें पहले ले आएंगे, फिर अलग से आपको क्या करना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा करके आप बना सकते हैं।